हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय पुरवार। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यूइंग अबाउट द प्रोडक्ट विच इज़ पतंजलि आस्था जवादु पाउडर विथ नीलगिरी ऑयल। एज यू कैन सी दिस प्रोडक्ट क्लियरली। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। जैसे कि मैं आज जिसका रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है पतंजलि का आस्था जवादु पाउडर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये होता क्या है। ये होता है आपकी बॉडी ऑर्डर के लिए, ठीक है। बॉडी ऑर्डर जैसे कि हम डिओड्रेंट लगाते हैं, आप डिओड्रेंट जानते होंगे अपने शरीर में डिओड्रेंट का कितना महत्व होता है। यदि आपको पसीना आता है, ठीक है, गर्मी के टाइम ज़्यादा देखा जाता है, कभी भी देखा जाता है, पसीना तो आ सकता है वो कभी भी, ठीक है, पर गर्मी के टाइम मोस्टली आता है, समर सीज़न वगैरह में बरसात है साथ में, तो डिओड्रेंट लगाना ज़रूरी है आपकी बॉडी में, क्योंकि फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता किसी के में। अपने को ही आपको पसंद नहीं आता है, इंप्रेशन की बात छोड़िए, अपने को आपको मतलब आप ये नहीं चाहेंगे कि बॉडी आपकी बदबू मारे, ठीक है, ऑर्डरलेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने रहा कि क्यों ना इसका रिव्यू डाला जाए कि कोई जो नेचुरल डिओड्रेंट हो, बट उनमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो बाज़ार में हमारे डिओड्रेंट आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे डिओड्रेंट हैं, बहुत चल भी रहे हैं, बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, उनमें क्या देखा जाता है कि वो जो डिओड्रेंट होता है बहुत केमिकल रहते हैं, वो आपकी जो है ना स्वेट ग्लैंड्स को लॉक कर देता है, ठीक है। उसमें बोलते हैं कि पसीना नहीं निकलेगा, या पसीना निकलेगा तो आप बदबू नहीं मारेगा, ठीक है, वो अच्छी बात है, बट उसमें कितने सारे केरोसिन वगैरह भी मिला रहता है, आप देख सकते हैं पीछे उसमें कितने सारे केमिकल रहते हैं, और उसमें वार्निंग भी लिखी रहती है, तो वो नेचुरल नहीं होते। मैं आपको बता दूँ वो नेचुरल तो कतई ही नहीं होते, क्योंकि उसमें केमिकल मिला है, और वो जो केमिकल है आपको एक समय के बाद, आपको समय के बाद जरूर करेगा, रैश डालेगा आपके यहाँ पे, आप चाहते हैं यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ लगाते हैं यहाँ थोड़ा सा, तो आपको मैं बता दूँ वो आपको रैश जरूर डालेगा, उसको चकत्तले वगैरह कहते हैं, या कोई बीमारी फॉर्म कर देगा, स्किन एलर्जी कर देगा, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ कुछ केसेस में आपको अगर लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो नेचुरल चीज़ तो नहीं है वो, महंगा अलग है, पैसा अलग लगा, बीमारी अलग पकड़ी, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा क्यों ना मैं नेचुरल कोई चीज़ लूँ, क्योंकि मुझे आप जानते हैं कि नेचुरल चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, मैं देखा है महंगी आ भी रही तो कोई बात नहीं, अगर आती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर क्योंकि वो नेचुरल है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो एक जो नेचुरल चीज़ की जो होती है ना आपकी पावर, वो तुरंत नहीं रिजल्ट देती, पर थोड़ी देर के बाद बहुत समय देती, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है। तो वही मैंने बोला कि पतंजलि का आस्था जो लिखा है जवादु पाउडर, बात यह है इसमें क्या क्या मिला है। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, नीलगिरी ऑयल मिला है, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं है, ठीक है। इसमें जो है जवादु जो है मेड बना है, जवादु पाउडर इज मेड अप ऑफ 98% हर्बल इंग्रेडिएंट्स एंड विल गिव एन्चेंटिंग अरोमा टू योर बॉडी। तो ये नेचुरल बना है, चंदन वगैरह डाला है, ठीक है, नेचुरल, और नीलगिरी का ऑयल डाला है, इसलिए इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट है ही नहीं, ठीक है। 98% हर्बल इंग्रेडिएंट डाला है, मतलब चंदन पाउडर डाला है, और ठीक है इसमें चंदन बना भी है और नीलगिरी ऑयल डाला है, तो ये आपको नेचुरली आपकी बॉडी को फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टाइम के लिए। आपको मैं बता दूँ, आप करके देखना, ये महंगा मिलेगा बट आपको लगेगा कि यार वर्थ इट है जब आप यूज़ करेंगे। ये मेरे को महंगा मिला है, इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक ये है और एक और आता है, मेरे को नाम नहीं आ रहा है उसका, बट अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, यदि 20 लाइक्स इसमें होते तो मैं आगे उसका भी ट्राई करूँगा, ठीक है। ये जो है ना मैंने लगाया है पर्सनली, इसको मेरे को यूज़ करते करते दो महीना हो गए। तो इसमें मैंने क्या देखा, इसमें मैंने ये देखा कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा लेना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना, आपको इतना ही सा लेना है, और थोड़ा सा पानी मिक्स करना, नहा के आए आप यहाँ यहाँ लगाया अच्छे से बॉडी में, जैसे बॉडी लोशन टाइप लगाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे आपको बॉडी इतनी फ्रेग्रेंस करेगी ना, आप जब सुबह लगाएंगे, रात को आप जब आएंगे ना शर्ट उतारेंगे तब भी आप देखेंगे, और थोड़ा बहुत पसीना कम भी मिलेगा आपको, नेचुरली पसीना तो निकलेगा, मैं बता दूँ पसीना निकलेगा, बट आपकी बॉडी में जो है ना बदबू नहीं आएगी, तो बहुत ही अच्छी आपको मतलब बॉडी मतलब इतना बिल्कुल बदबू नहीं मारेगी, इतना क्या बिल्कुल बदबू नहीं मारेगी, इतना सा लग रहा है आपका, तो आराम से 1.5 से 2 महीना चल जाएगा यदि आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नीलगिरी ऑयल का तो पावर आप जानते ही हैं, सब नेचुरल चीज़ें डाली हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, तो आप इसको लगा सकते हैं, और ऐसे आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं जो डेंजरस डिओड्रेंट होते हैं बॉडी में, लगाना भी पड़ेगा, लगाना भी चाहिए, बट ये है कि अपनी बॉडी को बर्बाद नहीं करना, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये पतंजलि जवादु पाउडर आप ले सकते हैं, ठीक है, पतंजलि जवादु नीलगिरी ऑयल के साथ, और दूसरा वेरिएंट भी है, यदि आपको वो भी आप उसका ब्लॉग देखना है तो आप इस वीडियो को 20 लाख तक आप पहुँचा सकते हैं, तो अगर मेरे को समझ में आएगा तो मैं आपको इसको करूँगा, ठीक है।